Hello guys, welcome back to hindishikshas.com YouTube channel. मेरा नाम अनुभव सान्याल है. माई एस क्यू एल के इस वीडियो कोर्स में मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और आज हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड्स इन माई एस क्यू एल के बारे में. अगर मैं बहुत ब्रॉडली बात करूँ तो हमारे पास जनरली दो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं माई एस क्यू एल में. वाइल्ड कार्ड कुछ नहीं, सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको एक सेट ऑफ कुछ थिंग्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं. आप जैसे जैसे हम थ्योरी से बढ़ के प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे आप उनका यूज समझ जाएंगे. ऐसा ज्यादा थ्योरी पे फोकस मत कीजिए, बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको ये थ्योरी के स्लाइड्स दिखाए जाते हैं. तो सबसे पहले जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है वो होता है परसेंटाइल सिंबल, जिसका मतलब होता है कि अगर मैं परसेंटाइल सिंबल को किसी किसी पैरामीटर के बाद रखूं या पैरामीटर के डाटा के बाद रखूं या पहले रखूं, इसका मतलब है कि मुझे इसके बाद या इसके पहले जो भी आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है. मेरे पास सिर्फ ये चीज आनी चाहिए. मान लीजिए मेरे पास कोई एम्प्लॉय की डेटा बेस है जहां पे कोई एम्प्लॉय का नाम मान लीजिए कुणाल गर्ग है. अब ऐसे कुणाल नाम से बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं या गर्ग नाम से बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं. तो अगर मान लीजिए मुझे उन सारे एम्प्लॉयज को सॉर्ट आउट करना है जिनका नाम गर्ग से चालू होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक. यहाँ पे जनरली हम लाइक कैरेक्टर यूज करते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली किसी चीज को सर्च नहीं करें, इसलिए हम इक्वल्स टू तो यूज नहीं कर सकते. हम उसके जैसा सर्च कर रहे हैं इसलिए हम लाइक कैरेक्टर यूज करते हैं या लाइक क्वेरी यूज करते हैं. वेयर नेम लाइक, मैं एक परसेंटेज सिंबल यूज करूंगा और उसके बाद गर्ग यूज करूंगा. इसका मतलब क्या होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्ग से पहले क्या आ रहा है, बस उस नाम के अंदर गर्ग आना चाहिए. मतलब उसके उस गर्ग से पहले चाहे ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी नाम आए मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ गर्ग आना चाहिए. वैसे ही अगर मैंने लिख दिया वेयर नेम लाइक कुणाल, उसके बाद अगर मैंने परसेंटाइल सिंबल लगाया, इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ कुणाल नाम आना चाहिए, उसके बाद जो भी कुछ आए मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारी एंट्रीज को एक्सेप्ट कर लूंगा. मतलब कुणाल नाम आए तो कुणाल एक्स वाई जेड बाद में कुछ भी आए, एबीसी बाद में कुछ भी आए, मेरे पास उन सारे रिजल्ट्स आ जाने चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, प्रैक्टिकल में इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आ जाएगा. और जो सेकंड कैरेक्टर होता है वो होता है अंडरस्कोर कैरेक्टर, जो कि एक लेटर को सब्स्टिट्यूट कर देता है या एक कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर रहा है. एम्प्लॉय वाली एग्जांपल से बात करते हैं, अगर कुणाल है तो मान लीजिए के यू एन ए एल कुणाल है, पर वो बी यू एन ए एल बुनाल भी चल सकते हैं. मुझे मतलब है सिर्फ नाम में यू एन ए एल आना चाहिए, उसका पहला अल्फाबेट क्या हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. तब आप क्या करते हैं, और सिंगल सिर्फ एक अल्फाबेट आना चाहिए, पूरा नाम वैसे नहीं आना चाहिए, उनाल के पहले यू एन ए एल के पहले सिर्फ एक अल्फाबेट आना चाहिए या एक इंटीजर आना चाहिए, दो नहीं आ सकता. तो इसलिए मैं जो कैरेक्टर यूज करता हूँ वो होता है अंडरस्कोर कैरेक्टर, जो कि एक लेटर या एक इंटीजर को सब्स्टिट्यूट करता है. अगर मैं यू एन ए एल के पहले परसेंटेज लगाता, इसका मतलब है इसके पहले कुछ भी आए, मतलब ए बी सी यू एन ए एल भी आए तो उससे मेरे पास वो एक्सेप्ट करना पड़ता. पर मैंने यहाँ डिमांड की कि उसके पहले सिर्फ एक अल्फाबेट या एक लेटर ही आ रहा है जो कि जिसका रिजल्ट्स मुझे चाहिए. तो ये होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन माई एसक्यूएल. और जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे लाइक यूज होता है इक्वल टू की जगह, क्योंकि हम लाइक या सेम नेम सर्च कर रहे हैं ना कि एग्जैक्ट नेम सर्च कर रहे हैं. इसका प्रैक्टिकल हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे जिससे कि आपको और चीजें और क्लियर हो जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. थैंक यू.